यार आपने टॉर्च वगैरह बहुत देखे होंगे, बट इस टाइप का ना कुछ भी नहीं देखा होगा। लाइक बहुत ही, ये देखो ये आपको टॉर्च जैसा लगेगा, नॉर्मल टॉर्च, बट अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हमारा दिन अभी शुरू होता है। आज थोड़ा सा लेट दिन शुरू होता है, पता था क्यों? सुबह मैं बहुत ही लेट आया खेल के, लाइक ऑलमोस्ट बज गया था 10:10 या 20 या 30 मिनट कुछ ऐसा हो रहा था, तो अचानक से आया। देन आफ्टर मैंने आया भी नहीं, डायरेक्टली जाके मेरे को ना ब्लॉग को एडिट करना पड़ा। अब ब्लॉग एडिट करने के बाद फिर अपना खाना पीना खाया, नहा हुआ के तैयार हो चुका हूँ। सो अभी क्या करना है यार, मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन अभी आज बिजी है, ठीक है, वो आ नहीं पाएगा क्योंकि शायद जो हम गए हुए थे ना वो मार्केट, उस दिन उसको ज़्यादा ही गर्मी लग गया, तो उसको लग गया कि भाई मैं बहुत उसको घुमाता हूँ धूप में, तो इस चक्कर में वो नहीं आया। मैं क्या करना है कि यार आज छुट्टी है, लाइक सैटरडे और संडे है, तो आज छुट्टी मार सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूटी को अपना रिपेयर करवा लूँ, हो सकेगा तो रिपेयर करवा लेता हूँ, बाकी नहीं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी हाँ याद आया, ताते फ्री होगा अभी तो ताते को ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ताते फ्री हो? ताते से बात हो चुकी है, ताते फ्री है तो ताते को ले लेते हैं एंड फिर चलते हैं थोड़ा मार्केट को ना देखते हैं। शायद मे बी, मेरे को जहाँ तक जीजाजी ने बताया है कि आज मार्केट बंद होगा, और मैं फिंगर क्रॉस करता हूँ कि भैया ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो फिर आज का दिन वेस्ट जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा। ये देखो हमारा छोटा मॉडिफायर, पूरा साइकिल का हायबूसा बना देगा। एक ही जगह पर लगाएगा? नहीं, पूरे पर लगाऊंगा। मतलब क्या, तीन एक हो गया? हाँ दो, अरे क्या सही है। चलो ये देखो स्कूटी का बुरा हालत हो रखा है। एंड एक कपड़ा ले आते यार, कपड़ा ले आओ एक। तो ताता आ गया है एंड आज इसका पूरा काम कर ही देते हैं यार। ये देखो पूरा एक टूट फूट रखा है। बताओ यही मौसम था सुबह, लग रहा था कि आज पूरा दिन धूप नहीं आएगा, और अभी का टाइम ऐसा कि लग रहा है कि भाई साहब जान ही ले लेगा ये धूप। तो चलो अभी मैं आपको ग्राउंड भी दिखाते हुए ही लेके चलूंगा, क्योंकि अभी देखते हैं कि इधर कौन कौन खेल रहा है और कौन कौन हमारे साथ ही तब के टाइम से खेल ही रहा होगा। अभी नहीं यार, ये सब तो नहीं यार पुराने ही प्लेयर है। वो जो येल्लो वाले देख रहे हो उस पेड़ के पास यार, वो तब से खेल रहे हैं जब से हम लोग खेल रहे थे, वो देख रहे हो ना। बताओ सैटरडे और संडे का 2 दिन का मतलब ये रहता है, मैच वगैरह खेले वो लोग। और उन लोगों का पता क्या रहता है, उन लोगों का रहता है कि पैसे में मैच लगाते हैं। इट मीन्स कि एक मैच में 1,000 रुपये 1,500 रुपये जैसा उनका बजट होता है ना, उस हिसाब से वो लोग मैच लगा लेते हैं एंड पूरा टाइम खेलते ही रहते हैं। आज बहुत ही स्पेशल जगह पे खेल रहे थे, जहाँ पे हमारे योगी आदित्यनाथ, मतलब इस वाले ना, ये इधर आने वाले थे योगी आदित्यनाथ, उनके लिए हेलीपैड बनवा रखा है। चलो मैं आपको ले कर भी चल लेता हूँ, बाद में मौका नहीं मिलता तो इसी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये जो जगह है आप देख रहे हो, यहीं पे हेलीपैड उनका बन रखा है। ये देखो ये है उनका हेलीपैड का जगह, ये देखो एच लिखा हुआ है ये रहा। हाँ इसी जगह पे उनका हेलीपैड आता और इनका काफला यहाँ से निकलते हुए इस वाले जी जो आप देख रहे हो ना बिल्डिंग, यहाँ पे जाता, बट अफसोस वो आ नहीं पाए। एंड मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड था कि वो इतने बड़े यूपी के सीएम आने वाले थे हमारे घर के इतने क्लोज। टिकट देख के तो लग रहा है यार मेरे को कि आज भी बंद है। लाइक ये देखो यहाँ पे चल तो रहा है लेकिन सारी दुकानें बंद है। मैं जा ही रहा था वापस कि ना उधर देखो वहाँ पे वो भैया लोग बोले कि करवा लो यहाँ पे, इवन कि यहाँ पे मार्केट बंद है, बट क्या है कि दुकान के नीचे से ना सामान दिया जाता है तो हो जाएगा, आज का दिन वेस्ट नहीं जाएगा। कैसा रहा तुम्हारा दिन? कारखाने में बहुत ही बढ़िया बीता मेरा दिन। लगा कि नोएडा में ऐसा एक जगह है कि नहीं प्रॉपर है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मतलब यही दिल्ली एनसीआर में मिलेगा, मतलब एक जगह जहाँ पे एक चीज़ होता है ना वहाँ पे उसका पूरा एक खदान ही है। लाइक अभी सर्विसिंग सेंटर गए होते तो वहाँ पे ना पूरा सर्विसिंग का ही था, और जैसे चांदनी चौक गए होते चांदनी चौक में पूरा आपको मतलब होलसेल का ही मार्केट है, ऐसे ऐसे मार्केट ना आपको दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिलेगा। तो मैं ताते के साथ गया हुआ था एंड अभी जो ये पहन रखा है ना, तो ये हमारे दर्जीवाला.in ने एक लैब कोट बनाया है, ठीक है, ये हमारे पैक्सन होम्योपैथी के लिए एक लैब कोट बनाया। तो आपको भी कुछ बनवाना हो तो दर्जीवाला.in है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पानी वानी पी लेते हैं, अभी जस्ट आया हूँ तो पूरा ही टाइड अप हो चुका हूँ, अभी थोड़ा पानी वानी पीते हैं। और अगर अभी मैंने चाय के लिए बोला ना थोड़ा सा भी मांग के ना, मम्मी मेरा भूत बना देंगे, क्योंकि जाने से पहले ही मैंने चाय पिया था एंड अब अगर बोला कर देंगे। यहाँ पे बैठे हुए थे कुछ बना रहे थे, तभी अचानक से ये देखो कितना गंदा धूल चालू हो गया यार। ओ माय गॉड, लग रहा है ये देखो
इससे ये तो बढ़िया है कि भाई कल मौसम फिर से वैसा ही रहेगा और कल भी मजा आएगा क्रिकेट खेलने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कल मैं भी आऊँगा, आज मेरा क्लास था, कल का सेम टाइमिंग था, लाइक जस्ट जब हम ऑफिस से आए थे तब पर भी ऐसे ही बारिश चालू हो गया था एंड आज भी वैसे ही बारिश चालू हो गया। देखो है कि कल जो हमारा जो मैच होगा ना वो ठंडा ठंडा होगा और बहुत मज़ा आया था, जैसे आज पूरा बॉडी एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ था, पूरा इतना मज़ा आ रहा था ना क्रिकेट खेलने में। ऐसे ही अब कल भी होगा, होप सो कि धूप ना आए, बाकी तो बहुत मज़ा आएगा। लोकी को देखो यार, मज़े तो इसके हैं यार, मतलब खाता है, अबे कुछ नहीं है यार, क्या हो गया, क्या खाना है इसको, पता है हमने शायद कुछ उल्टा सीधा दिया है ना, लाइक ये चाचा जी का कारण हुआ, ये लोकी को आदत लग गया ये बोल। अबे ओ माय गॉड, ओ भाई साहब बच गए ये तो, और मैं इसका पैर सीधा चाय में जाता हूँ। अरे ये देख रहे हो कुट्टू कुट्टू, देख बारिश बाहर में, बारिश हो रही है बाहर, देख बाहर में, देख बारिश हो रही है, देख रहा है बारिश। अरे 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 बाहर नहीं जाने दूंगा, नो गंदी आदतें, नो, अरे नो बाहर का खाना, नो बाहर का खाना, नो बाहर का खाना, नो बाहर का खाना। देखो कितना शैतान हो गया मेरा लोकी। चाचा जी ने चाय बना के दे दिया है यार, एक काम करता हूँ बाहर ही बैठता हूँ, बाहर ही में मज़ा आएगा, अंदर में ना उतना मौज मस्ती नहीं होगी, लाइक बाहर में बारिश के मज़े लूँगा। लोकी मैं बाहर में बैठ सकता हूँ? लोकी मैं बाहर में बैठ सकता हूँ? बोलो हाँ। यार आपने टॉर्च वगैरह बहुत देखे होंगे बट इस टाइप का ना कुछ भी नहीं देखा होगा, लाइक बहुत ही मतलब इनोवेटिव टाइप का चीज़ है ये। देखो ये आपको टॉर्च जैसा लगेगा, नॉर्मल टॉर्च, बट थिंग इज इसका बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है तो ये कैसे चलता है वो देखो, लाइक इसको आप पुश करोगे, ऐसे करोगे, लाइक मेरे को थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा तब पता चलेगा आप लोगों को, जैसे मैंने अंधेरा कर दिया तो ये चीज़ें इसको पुश किया, ये देखो पुश किया ये चालू हो गया। बढ़िया, कितना प्यारा सा लगा, और मेरे को इसी चक्कर में मैंने इसको परचेज किया है अमेजोन से, तो आपको भी अगर पसंद आएगा आप भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें बैटरी नहीं लगता, विदाउट बैटरी चलता है, लाइक ये देखो इसमें जो ये व्हील है ना, इस व्हील को हम पुश करते हैं और इसका डायनमो ये रहा, ये वाला जो है ये डायनमो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बोल दो डीसी में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उसके चक्कर में ये लाइट जलता है, ये देखो। तो मैं सोच रहा हूँ क्या ये चाचा जी को मैं दे दूँ, क्योंकि चाचा जी अभी गाँव जाने वाले हैं और ऊपर से ना बिहार में क्या हो रखा है कि 5-6 दिन तक लगातार बारिश हो जाता है, और चाचा जी का जो गांव है ना उस गांव में क्या है कि वो ना कोसी बाढ़ क्षेत्र में आता है, आपको तो पता ही होगा ना, ब्लॉग देखा होगा आपने जिसमें मैं गया हुआ था किसी एक जगह पर, मेरे जो सबसे बड़े पापा हैं उनके यहां गया हुआ था, वहां पे कोसी ब्रिज का था, वहां पे बहुत सारे बाढ़ आने का हमेशा अलर्ट रहता है, ठीक है। तो उसी एरिया में चाचा जी में रहता, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मैंने सोचा कि चाचा जी को दे दूँ, चाचा जी को अगर रात को ज़रूरत पड़ेगा तो लाइक ऐसे देखेंगे, जलाएंगे और ये ऐसे करके देख लेंगे, ज़रूरत नहीं है बैटरी की, भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट बैटरी है कभी भी चाहे। लेकिन यार हाँ, ये बेस्ट कब के लिए है ताते, ये बेस्ट किस टाइम के लिए है तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे हिसाब से, मतलब कौन से, जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो ताते, शायद जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ताते, अगर मे बी शायद ताते ने समझा लिया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बेस्ट होगा कैंपेनिंग वगैरह के लिए, बेस्ट हाँ ट्रैकिंग कैंपेनिंग, जहाँ पर हम नाइट सफारी कहीं पर गए, लाइट वाइट नहीं हो तो इसको जला के देख सकते हैं, देखो वाह। अचानक से मैं बाहर आया था और देखा कि हमारा रेनिगेड वो खड़ा, मेरा मन किया कि अभी जिसका भी ये जो KTM 390 है ना उनको बोलूं कि भाई साहब आप मेरा रेनिगेड ले लो और अपना KTM 390 मेरे को दे दो, बट अफसोस वो कर ही नहीं सकता, मेरे को मौका था 390 लेने का, रेनिगेड ले रहा था तब के टाइम में मेरे को मौका था, बहुत ही बेहतरीन मौका था कि मैं KTM का 390 ले लूं, बट पापा ने बोला कि नहीं इस पे कौन बैठेगा, गर्लफ्रेंड को बिठा के लेके जाएगा, क्या मम्मी कैसे बैठेंगे, ये वो नो तेरा, तो मतलब हम कुछ भी लेते हैं ना तो पहले फ्यूचर और पहले फैमिली प्लानिंग कर लेते, इस चक्कर में रेनेगेड हो गया रेनेगेड। देखो इतने दिनों के बाद हमारा लोकी हमारे पास आया, नमस्ते, चलो के रूम में चले जाओ भैया के रूम में जाओ। ए लोकी हाँ। तो
जस्ट अभी आ रहा हूँ क्रिकेट खेल के एंड लिटरली आज जो मैच था इतना घटिया। फर्स्ट मैच पे दूसरे बॉल पे आउट हुआ, विकेट आउट हुआ भी, ठीक है, बहुत रेयरली होता हूँ। दूसरे मैच पे भी दूसरे बॉल पे विकेट आउट हुआ। तीसरे मैच पे जो सोचा कि भाई कुछ रन बनाऊंगा तो उसमें भी कैच आउट हो गया, मतलब वो भी दो दो तीन तीन बॉल खेल के आउट हो गया। इतना गंदा मैच हुआ, अब मेरा मूड नहीं है अभी कुछ भी व्लॉग वगैरह बनाने का, नहीं लिटरली मैं पिस्ड ऑफ। तो काम करते ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको मजा आएगा तो जाकर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना सब्सक्राइब किए गए तो कट्टी, ठीक है। अग्री बोलो, लव फ्रॉम नोएडा, बॉय फ्रॉम बिहार, पीस आउट, और ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहो, ठीक है, चलो।